जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत उकवा के वार्ड क्रमांक एक में पानी भर जाने से वार्ड वासियों के मकान कमजोर हो गए हैं। कभी भी मकान क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। वार्ड वासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत उकवा के सरपंच सचिव को अनेकों बार यहां से नाली निर्माण करने के लिए आवेदन दिया गया, किंतु सरपंच सचिव के कारण ध्यान नहीं देने से आज वार्ड वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने यह भी बताया कि जहां तक सीसी सड़क का निर्माण किया गया है वहां तक नाली का निर्माण किया गया है, उसके बाद नाली का निर्माण नहीं किया गया, जबकि उसके आगे भी नाली का निर्माण अगर किया जाता तो आज वार्ड वासियों के घरों में पानी प्रवेश नहीं करता। जिला कलेक्टर दीपक आर्य एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुरु प्रसाद से वार्ड वासियों ने मांग किया है कि तत्काल नाली का निर्माण कराया जाए। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक दो में भी तालाब के किनारे का पानी घरों में घुस रहा है। तालाब में गेट नहीं बनाया गया जिसके कारण तालाब और फ्लो होने से वार्ड वासियों के घरों में पानी प्रवेश कर रहा है, जिससे वार्ड वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। हम ऐसे जगह यहाँ पर खड़े हैं कि यहाँ वर्षा होने के कारण यहाँ पर लोगों के घरों में पानी भर चुका है, किंतु ग्राम पंचायत उकवा के सरपंच सचिव एवं प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ स्पॉट में आकर भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अब इन वार्डवासी वार्ड नंबर एक के सभी वार्डवासियों ने मीडिया को बुलाकर अपनी समस्या बता रहे हैं। अब समस्या इनसे पूछ रहे हैं कि क्या समस्या है आपके साथ में। अच्छा ये बताइए, आपने पंचायत को बताए थे? हाँ, पंचायत गए, भोरू आया था ना, तो देख करके गए हो? हाँ, देख करके गए। तो क्या बोले? उन्होंने ये बोला कि मकान मालिक आएगा, वो अपनी समस्या दर्ज कराएगा। अच्छा, मोबाइल पे पानी के चालू नहीं, ऐसा बोले? किसने बोला ऐसा? पार्टी है, भोरू है, ग्राम पंचायत उकवा ने मात्र ये यहाँ तक कि नाली बस का निर्माण की है, इसके बाद में पूरा पानी लोगों के घरों में घुसते नजर आ रहा है। ऐसे में बहुत बड़ी घटना घटने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। यह है ग्राम पंचायत उपवा के जनप्रतिनिधियों एवं सरपंच सचिव की लापरवाही।